हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के जो 1500 से लगभग 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को चला रहे थे, उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। इसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने फिर से लाया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नदी के बारे में, ठीक है। बहुत सारी जो है ना नदियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं, जो ये प्रश्न है वो सारे के सारे जैसा कि आप देख सकते हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए जो भी आने वाले आपको परीक्षा है, चाहे SSC, CHSL, CGL, MTS, MP पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार SI, MPSI और उसके साथ साथ BPSC टीचर, झारखंड का जो है ना CGL आया, झारखंड टीचर, इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे के सारे प्रश्न आप जैसा कि देख सकते हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं नदी के बारे में। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां कहाँ पे मिलती हैं। तो भागीरथी और जो अलकनंदा नदी है वो आपको सिंपल सी बात है देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और जो अलकनंदा है वो कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। और उसके बाद जो है ना क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। क्या, कौन सा बन जाती है आपको, ये गंगा नदी बन जाती है। भागीरथी और जो अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग में मिलती है और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम अभी जस्ट हम लोगों ने देवप्रयाग देखा, डी फॉर देवप्रयाग, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो आपको देवप्रयाग में होता है। तो इसलिए फिर से इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है कि आपको, आप लोग देख सकते हैं कि पिछले वाला क्वेश्चन भी जो है ना आपको UPSC में पूछा हुआ था, ये MPPCS में पूछा हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ आप जो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन जो है ना आपको BPSC में जो है ना आपको रिपीट हुआ है। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो है ना आपको रिलेवेंट है, बहुत ही जो है ना आपको महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर जो है ना गंगा नदी बनता है, उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो वो गंगा बन जाती है, तो कहाँ पे मिलते हैं, तो देवप्रयाग में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपको अलकनंदा नदी के तट पे है। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है, अलकनंदा नदी के तट पे है। लेकिन आपको अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना आप लोगों ने केदारनाथ का सुना होगा, केदारनाथ का जो मंदिर है वो आपको मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है। केदारनाथ का जो मंदिर है वो आपको मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं अलकनंदा बद्रीनाथ पे को जो है ना आपको बद्रीनाथ जो है वो आपको अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है और आपको जो मंदाकिनी है वो केदारनाथ, ठीक है। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर अवस्थित है, तो केदारनाथ मंदिर अवस्थित है। हम लोग देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी जो आपको नदी है वो कौन सी है, गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, जिसकी लंबाई 25-25 है, 2525 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 25-25 के आसपास जो होगा उसको टिक कर दीजिएगा, अगर 25-25 ना हो तभी ऐसा काम हम लोग करेंगे, 25-29 भी कहीं कहीं दे देगा या कुछ दे देगा। तो वैसे भारत की गंगा नदी की लंबाई आपको कितना याद करेंगे, 25-25 है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। आपके पास जो है ना क्वेश्चन ये है कि भारत में आपको एक यमुना नदी बहती है, जो यमुना की सहायक नहीं है उसको बताना है। तो बेतवा, केन, चंबल, ये जो है ना तीनों के तीनों यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं। सहायक नदियां वैसी नदियों को बोला जाता है जब छोटी नदी बड़ी नदी में आकर जो है ना मिल जाती है, तो उसको उप नदी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में सहायक नदी के नाम से भी जाना जाता है, और उसे अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यमुना जो है ना बेतवा भी सहायक नदी है, चंबल भी सहायक नदी है, केन भी सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा। रामगंगा जो है वो आपको
यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यह यमुना की उपनदी नहीं है। रामगंगा जो है गंगा की उपनदी है। रामगंगा किसकी उपनदी है? गंगा में जाके मिलती है, इसलिए इस रामगंगा को हम लोग गंगा की सहायक नदी कह सकते हैं। तो पूछा था कि कौन सी सहायक नदी नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? रामगंगा, क्योंकि रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और गंगा नदी जो है ना आपको पता ही है गंगोत्री से निकलती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरकूच चोटी से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री के बंदरकूच चोटी के पास से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरकूच चोटी से निकलती है, ठीक है। अब हम लोगों ने याद किया कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? बंदरकूच है। अगर जो है यमुनोत्री होता तो यमुनोत्री लगा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है यमुनोत्री ना होकर के बंदरकूच है, इसलिए यहाँ पे बंदरकूच लगाएंगे। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ठीक है, मतलब सिंपल सी बात वही है कि आपको यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है, मतलब आपको यमुना की सहायक नदी। फिर से सेम क्वेश्चन, यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे यमुना, हमने बताया था चंबल, केन, बेतवा, ये सब के सब जो है ना यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की तीनों सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, चंबल, केन और बेतवा। सोन नदी जो है ना आपको, ये जो है ना आपको यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। ये सोन नदी जो है ना पटना के पास, ये आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, एमपी से, जो कि बिहार में चली जाती है। ये सोन नदी कहाँ पे चली जाती है? यूपी होते हुए बिहार में चली जाती है। तो ये आपको अमरकंटक से निकलती है, जो कि गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है आपको? गंगा नदी में मिल जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि आपको ये जो यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, सोन जो है ना यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं है, सोन गंगा की सहायक नदी है, ये आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये केन, चंबल और बेतवा तीनों के तीनों जो है ना आपको यमुना की सहायक नदी है, इसलिए तीनों के तीनों जो है ना यमुना में जाके मिल जाती है। आगे, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी का मतलब होता है उत्तर की ओर बहने वाली, मतलब उत्तर की ओर बहने वाली नदी। तो सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे आप जैसे ही मैप देखेंगे इंडिया का, मैं ऐसा ही मैप बना लिया, तो ये आपको जो है ना इस साइड आपको बिहार है, ये रहा आपको मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश से ये किधर की ओर जाएगी? आपको उत्तर की ओर, तभी तो वो बिहार में जाएगी, उत्तर की ओर जाएगी। उत्तर की ओर मतलब उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। ये जो कोसी, घाघरा, गंडक, ये सब जो है ना आपको ये नेपाल से आती है बिहार में। कहां से आती है? नेपाल से आती है बिहार में। कोसी, गंडक और घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब के सब, तो ये किधर की ओर बहने वाली हो गई? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी हो गई ना, नीचे दक्षिण होता है, ये क्या है आपको? दक्षिण है और ऊपर क्या है आपको? उत्तर है। तो आपको उत्तर की ओर बहने वाली नदी, क्योंकि ये आपको सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश इधर आपको जो है ना, आपको सेंट्रल पार्ट में है, भारत के जो है ना सेंटर में है, इसलिए ये उत्तर की ओर जाने के लिए आपको उत्तर की ओर बहती है कौन सी नदी? सोन नदी। तो वही बोल रहे हैं, उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर की ओर जो है ना आपको मध्य प्रदेश से क्योंकि निकलती है और ये यूपी होते हुए बिहार में जाती है, इसलिए ये उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी हो जाएगी आपको? सोन नदी हो जाएगी। और ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब के सब जो है ना आपको तीनों के तीनों आपको नेपाल से आती हैं और आपको गंगा नदी में मिलती हैं। किसमें? ये सब के सब नदियां जो है ना गंगा नदी में ही मिलती है, लेकिन ये आपको दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये जो सोन है वो आपको उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से, ठीक है, मतलब गंगा नदी में जो है ना आपको बाएं से, ये मान लो ये हमारा है गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी की अगर मैं बात करूं तो ये गंगा नदी इधर से, ठीक है, तो बाएं से कौन कौन नदी मिलती है? तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है ना घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है ना किधर से मिलती है? बाएं से। लेकिन अगर मैं बात करूं सोन की, तो सोन जो है ना आपको इस नदी के दाएं से मिल रही है। देखिए ये हमारा दाहिना हाथ हुआ, तो ये दाएं से मिल रही है। तो बोल रहा कि बाएं से कौन नहीं मिलती है, तो आपको बाएं से कौन कौन मिलती है? घाघरा भी मिलती है, ठीक है,
गोमती कोसी सारे के सारे जो है ना बाएं से मिलती है, ये जो है ना आपको गंगा नदी के दाएं से कौन सी नदी मिलती है, तो सोन नदी मिलती है, क्योंकि ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जाती है। तो ये गंगा किससे आपको जो है ना गंगा, अगर जो है ना गंगा नदी को ये बनाया हमने, तो ये बाएं से मिल रही है ये सारी नदियां, ठीक है, और ये सोन नदी जो है ना किधर से मिल रही है आपको, दाएं से मिल रही है, ठीक है, ये गंगा नदी है। आगे की ओर बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाएं से कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। हमारे पास बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पटना। पटना में जो है ना बिहार, ये गंगा नदी जो है ना बिहार के 12 जिलों से, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये सब बिहार पुलिस और बिहार सॉरी बीपीएससी टीचर और बिहार पुलिस, बिहार एसआई या जितने भी बिहार के एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो मैं खासकर बिहार की जो है ना मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ये गंगा जो है आपको बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे ज्यादा लंबाई इसकी पटना जिला में है। गंगा की सबसे ज्यादा जो है ना लंबाई कौन से जिले में है, पटना जिले में आपको लंबाई है, 12 जिलों से होकर गुजरती है, और इसकी सबसे ज्यादा लंबाई जो है ना 99 किलोमीटर पटना जिला में है, और दूसरे स्थान पे भागलपुर है, जहाँ पे गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा जो है ना गंगा की लंबाई बिहार के पटना जिले में है, फिर जो है ना भागलपुर जिले में है। ये आपको बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है आपको गंगा नदी, ठीक है, बेगूसराय ये सब सारी चीजें। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास है निम्न में से मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है, तो मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी जो है ना आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, कौन से झील से निकलती है, मानसरोवर झील के पास आपको सबका उद्गम स्थल मानसरोवर झील ही है, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सतलज हो, चाहे सिंधु हो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसका सही उत्तर डी है। तो हम लोगों ने देखा कि आपको ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ये सारी की सारी नदियां का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर के पास स्थित है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उप नदी है, मतलब मानस नदी जो है वो किस नदी का सहायक नदी है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मानस नदी असम में बहने वाली नदी है, जो कि आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी का उप नदी है, मतलब ये मानस नदी किसमें आपको जो है ना मिल जाती है आपको, तो मैंने बताया आपको ब्रह्मपुत्र नदी में आपको ये मानस नदी जाके मिल जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है आपको, मानस नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज मानस, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है आपको, सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मास के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जब गंगा नदी जो है ना आपको ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में जब मिल जाती है तो उसके बाद उसको जो है ना मेघना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो है ना आपको जैसे गंगा नदी को किस नाम से, पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो आपको किस नाम से जाना जाता है, आपको उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। जब आपस में नदियां मिल जाती हैं, गंगा नदी और आपको कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद मेघना के नाम से, वैसे बांग्लादेश में आपको जो है ना गंगा नदी को पद्मा के नाम से, मिलने के बाद मेघना के नाम से। हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में, तिब्बत में आपको सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको तिब्बत में बहता है, बांग्लादेश में बहता है, भारत में बहता है, बिल्कुल सही उत्तर है, पहला होगा, आपको ये तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में होकर बहता है ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, मतलब
मतलब दोनों नदियां जो है ना एक ही जगह से निकलती हैं, तो अभी जस्ट हमने बताया तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और एक और उसके साथ है सतलज नदी। ठीक है, ये तीनों का जो है ना आपको सिंधु नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत का जो पठार है मानसरोवर झील के पास से आपको इन तीनों नदियों का आपको ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का आपको उद्गम स्थान है, ओरिजिन पॉइंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखला के बीच अवस्थित है। तो नर्मदा नदी जो है ना सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच आपको जो है ना नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किसके किसके बीच बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। ये जो नर्मदा नदी है ये इधर से इधर की ओर बहती है, तो आपको सतपुड़ा, ये आपको नर्मदा नदी हो गया, ये आपको सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत है उनके बीच, उनकी जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच बहती है आपको नर्मदा नदी, सतपुड़ा और आपको कौन सा विंध्याचल। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच जो है ना आपको बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश धोनी से होकर बहती है, तो आपको नर्मदा नदी जो है ना वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, आपको भ्रंश धोनी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों के दोनों जो है ना रिफ्ट से होकर बहती है, और नर्मदा के साथ साथ ताप्ती ही आपको नदी है जो कि मतलब बड़ी नदियों में आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली, और ये दोनों के दोनों नदियां आपको अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं, आपको अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, और ये दोनों नदियां आपको डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा का ना निर्माण करके ये एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुअरी, जिसको हम लोग ज्वार नदमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां। ठीक है, नर्मदा जो कि और ताप्ती दोनों के दोनों मध्य प्रदेश से होकर बहती है, और मध्य प्रदेश में ही दोनों का जो है ना उद्गम स्थल है। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, आपको मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अनूपपुर जिले से, और आपको जो ताप्ती है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है आपको कौन सी नदी, ताप्ती नदी, और जो नर्मदा है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो हम लोगों ने देखा ये नर्मदा और ताप्ती के बारे में देखेंगे, दोनों के दोनों आपको नदियां जो है नर्मदा और ताप्ती हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, दोनों के दोनों नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, दोनों की दोनों नदियां मतलब ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और ये दोनों की दोनों नदियां जो है ना आपको आपको रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, भ्रंश भवनी से होकर बहती है। हमारे पास नर्मदा घाटी उदाहरण है, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने भ्रंश घाटी का उदाहरण है, नर्मदा नदी किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करेगी, अभी जस्ट बताया नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना आपको डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ये महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी, कावेरी, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, आपको बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है ये सारी नदियां, आपको चाहे महानदी हो चाहे गोदावरी हो चाहे कावेरी हो, सारी की सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये आपको जो है ना नर्मदा और ताप्ती जो है ना आपको अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती है। मैंने भारत का मैप बता के कल समझाया था कि ये जो है ना आपको बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, अरब सागर, और नीचे है आपको हिंद महासागर। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो नर्मदा और ताप्ती है वो कहाँ पे गिरती है, आपको नर्मदा और ताप्ती आपको अरब सागर में गिरती है, बाकी की ये जो है आपको चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, आपको उसके साथ साथ महानदी हो, ये सारे के सारे कहाँ पे गिरते हैं, आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, इनका अंत कहाँ पे होता है, बंगाल की खाड़ी में, और नर्मदा और ताप्ती का अरब सागर में, इसीलिए तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं तो अरब सागर में ही गिरेंगी, और ये सब के सब जो है ना आपको किसमें जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि आपको कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये सारी की सारी नदियां जो है ना जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ये डेल्टा बनाती है, नर्मदा और ताप्ती जो है ना आपको किस में गिरती है, अरबियन सी में, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, और उसके साथ साथ ये आपको डेल्टा का ना निर्माण करके आपको एस्चुरी का या आपको ज्वारनद मुख का निर्माण करती है।
आगे की ओर हम लोग देखते हैं, कौन सी नदी का उद्गम जो है ना अमरकंटक से होता है? नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है आपको? अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से निकलती है आपको नर्मदा नदी। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो कि बिहार में भी जाती है, वो सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक ही है और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक ही है। नर्मदा नदी जो है ना आपको मध्य प्रदेश, गुजरात और उसके बाद जो है ना अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है। गुजरात के भी जो है ना आपको जीवन रेखा ये नदी है और मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा है। ये नर्मदा नदी जो है आपको मध्य प्रदेश और गुजरात और उसके बाद कहां चली जाती है आपको? अरेबियन सी में जो है ना आपको गिर जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये आपको अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, अरब सागर में तो नर्मदा और ताप्ती दोनों के दोनों कहां पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बता दिया था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग पहले ही कर देते हैं, फिर से आता है तो जिससे याद करने में आपको आसानी भी होगी। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये गोदावरी, कृष्णा और महानदी सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। कौन सी नदी कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी नर्मदा और ताप्ती बनाती है। ज्वार नदियों कौन कौन सी नदियां बनाती है? एक नर्मदा और दूसरा क्या बनाती है? ताप्ती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी सारी जो नदियां होती है जो बंगाल की खाड़ी तरफ गिरती है वो आपको डेल्टा बनाती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, मतलब दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत की सबसे लंबी पेनिसुला रिवर, पेनिसुला रिवर जो होता है, तो मतलब जो है ना कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में आपको कौन कौन सी गिरती हैं? देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती, जनरली नर्मदा ताप्ती ये सब जो है ना आपको बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले तो सी ऑप्शन कट गया। गंगा भी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां जो है ना आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किसमें गिरती हैं आपको? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सारी के सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी में ए और बी दोनों का जिक्र किया हुआ है। हमारे पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो चित्र दिखाया गया है उसमें 1, 2, 3, 4 से अंकित कौन कौन सी नदी है? तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो है ना आपको एक के जगह पे कौन सी नदी आएगी? यहाँ पे एक दिखा रहा है, मतलब एक के जगह पे कौन सी नदी आएगी? तो ये है कोसी, कोसी नदी है। ये देखो, ये सब ये नेपाल है, ये क्या है आपको? नेपाल है। ये क्या है? नेपाल। नेपाल से निकल रही है कि नहीं कोसी नदी, ठीक है। ये गंगा नदी में जो है ना आपको सारी के सारी नदियां जो है ना आपको गंगा नदी में मिल जाती है, सारी के सारी नदियां जो है ना किसमें मिलती हैं? गंगा नदी में मिलती है। तो ये आपको एक के जगह पे क्या हो जाएगा? कोसी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दो, दो के जगह पे कौन सी नदी होगी? तो गोमती। ये जो है ना गोमती उत्तर प्रदेश से आती है नदी, ये गोमती, ये कौन सी नदी है? गोमती है। कौन सी नदी है? गोमती है। उसके बाद जो है ना आपको फिर कौन सा है? उसके बाद यहाँ पे घाघरा और गंडक, ठीक है। तो ये आपको तीसरे नंबर पे क्या है आपको? ये घाघरा है। ये क्या है आपको? घाघरा। और ये क्या है आपको? गंडक। तो ये सारी की सारी नदियां जो है ना ये आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको नेपाल से जो है ना किधर की ओर आ रही है? बिहार में आपको इंटर करती हैं। और आपको ये सारी की सारी नदियां जो है ना आपको गंगा नदी से मिल जाती हैं। ये सारी नदियां गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं, गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, ये सब सारी नदियां। आगे रही बात, तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपको नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं और आपको कहां पे आके मिल जाती हैं? गंगा नदी में मिल जाती हैं।
एक चीज और बता दूं कि जो कोसी नदी है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि बिहार में जो है ना आपको बहुत जो है ना तबाही लाने वाली नदी है। सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को। इसकी जो आपको जो है जल वो बहुत ज्यादा जो है ना आपको विस्थापित होते, मतलब एक तरह से कहा जाए तो अपना जो है ना मार्ग परिवर्तित करते रहती है ये नदी, अपना जो है ना पथ बदलते रहती है, एक जो नदी का पथ है ये बदलते रहती है कोसी नदी। इसलिए आपको बिहार में भारी तबाही आता है जानवर की, उसके साथ साथ जो है ना जान माल की बहुत ज्यादा क्षति होती है, इसलिए इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है कोसी नदी को। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया इस सारे मैप को। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? हुगली। हुगली की सहायक नदी है, ठीक है, हुगली की सहायक नदी कौन सी है आपको? दामोदर। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर आपको सहायक नदी है हुगली की। दामोदर सहायक नदी है किसकी? हुगली की। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? वही बिहार का शोक जिसे कहते हैं, और उसका उत्तर क्या होगा? कोसी नदी होगा, जिसने 2008 में भारी तबाही लाया था बिहार में। ठीक है, तो आपको उस टाइम में मुझे याद है कि आपको जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, उनने बिहार में जो है ना आपको शायद 17 साढ़े 17 करोड़ रुपए जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहयोग राशि भी दिया था, लेकिन मतलब एक तरह से स्वाभिमान के चलते उन्होंने जो है ना क्या किया था, वो पैसे को लौटा भी दिया था नरेंद्र मोदी को, किन्होंने? आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ठीक है, तो खैर वो सब अलग बात है, पॉलिटिकल बातें। 2008 में बिहार में कौन सी नदी जो है ना अपना मार्ग परिवर्तित किया था, तो और जिसके कारण बिहार में आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो बिहार का शोक कोसी नदी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? तो सबसे ज्यादा जो है ना आपको जो उसका कोर्स होता है उसको कौन सबसे ज्यादा शिफ्ट करता है? तो कोसी नदी, जिसको बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आज हमारे पास इतना ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।